भारतीयता में जो सबसे बड़ी मान्यता है ना, वो ये है कि कम से कम अपने ऊपर खर्च करो। क्यों? ये शरीर नश्वर है, इसको लीप पोतने में क्यों लगे हुए, थोड़े दिन में चला जाएगा, कुछ बचेगा नहीं इसमें, तो ज्यादा से ज्यादा दूसरों पे खर्च करो। तो हमारा जो निजी जीवन है ना, प्राइवेट लाइफ, वो बहुत संयमित है, कम खर्चे वाली है, और हमारी जो पब्लिक लाइफ है वो बहुत खर्चीली है, बहुत पैसे वाली है। पब्लिक लाइफ माने हम मंदिर बनाएंगे, करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, मंदिर का प्रतिष्ठा समारोह होगा, करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, दावत होगी, क्या क्या होगा, सब कुछ होगा, करोड़ों रुपए खर्च होंगे। लेकिन हम अपनी जिंदगी में कम से कम खर्च करेंगे। हम शादियां करेंगे बेटे बेटियों की, बहुत खर्चा होगा, लेकिन निजी जिंदगी में कस कसाते हैं 10-10 रुपए खर्च करने के लिए। ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ये डीएनए ऐसा है, और ये डीएनए कोई आज का नहीं है, हजारों साल का है। तो ये शायद भूगोल की स्थिति ऐसी है, इसमें से बना होगा, शायद ईशावास्यम इदम सर्वम, जो किसी महान व्यक्ति ने कह दिया वो हमारे रग रग में घुसा होगा। इसलिए तो कहा, जो अंदर होता है वही कहा जाता है, और जो होता ही नहीं है वो निकल नहीं सकता मुंह से। तो हमारी रग रग में होगा। पुराने सब लोगों को मैं देखता हूं, इतना सीधा सादा सरल जीवन, और पैसे संपत्ति में करोड़पति,